लेकिन जिस तरह से मैं बताऊंगा, जो प्रोसेस मैं दिखाऊंगा आपको, उससे मिलेगी आपकी दाल बहुत ही बेहतरीन, शानदार और हेल्दी, राइट। सो प्रोटीन से भरपूर दाल है, जरूर ट्राई करें इसे। और चलेंगे मेरे किचन में, देखेंगे क्या इसके स्टेप्स हैं। तो ये देखिए, अरहर मलका की दाल के लिए मैंने क्या लिया है, 50 ग्राम्स मैंने ले ली है अरहर की दाल और 50 ग्राम्स ही मैंने ली है मलका की दाल। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हमें वॉश करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, ठीक है। तो पानी डाल के इसको वॉश करेंगे, तो होता क्या, देखो मैं बताऊँ आपको, आप इसको जितना भी वॉश करोगे ना, तो इसमें क्या निकलेगा, देखो ये जो पानी निकल रहा है ना, ये सब गंदा है, ठीक है ना, यू नो ये पॉलिश है, तो इस पॉलिश को निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से वॉश करो, कम से कम दो या तीन, मैं तो बोलूँगा तीन बार इसको वॉश करो, और इसके बाद ही इसको पकाओ, ठीक है। तो इसमें वॉश कर लेते हैं, इसके पानी में इसको फेंक दूंगा और फिर से मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी और इसको वॉश करूंगा। देखो तीन बार तो कम से कम वॉश करो, क्योंकि इसकी पॉलिश निकलना बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिश है ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, राइट। तो ये पॉलिश को ज़रूर निकालें, अच्छे से इसको ऐसे वॉश करें, ये देखो है ना, आप देख रहे हो ये पानी निकल रहा है जो अभी भी वाइट है, तो इसका मतलब ये पॉलिश निकल रही है इसकी दाल की, तो इसका निकालना बहुत ज़रूरी है अगर इसको हेल्दी रखना है अपने, तो इस दाल को। और फिर से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ थर्ड टाइम, ये देखिए अब इसका कम से कम देखिए वाइट पानी, वाइट जो इसका कलर सा कम हो गया है, तो इसका मतलब बढ़िया है, इसकी पॉलिश निकल रही है अच्छे से। तो बस थ्री टाइम्स इसको हम वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको चलेंगे गैस पे और रखेंगे कुकर के ऊपर। तो ये देखिए हम पहुँच चुके हैं गैस पे, हमने कुकर रख लिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस दाल को हम लोग इसमें अच्छे से सारा का सारा डाल देंगे। तो ये देखिए है ना, दाल हमने इसमें सारी अच्छे से डाल ली है, और इसमें हम डालेंगे अब थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना काफ़ी है, ये करीब एक से डेढ़ ग्लास पानी है। तो बस हम लोगों ने पानी अच्छे से डाल लिया है, और ये देखो साथ में क्या है, मेरे पास है कुछ लहसुन की कलियाँ, पाँच छः लहसुन कलियाँ ले ली है मैंने, इसको हम डाल देंगे इसमें। और अब देखिए क्या है, मेरे पास है थोड़ा सा घी, इसमें घी डालेंगे थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है इससे इस दाल में। बहुत सिंपल रखना है इस दाल को हम, ताकि ये बहुत ही सिंपलिसिटी से बन सके और तभी अच्छी भी लगती है। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रहा हूँ नमक। तो देखो अब क्या करना है, अब हमें इसको कवर कर देना है, इसका ढक्कन लगा देना है, और इसको देनी है बस सिर्फ और सिर्फ डेढ़ से दो सीटियाँ, उतने में ही ये पक जाती है। गैस ऊपर लेते हैं ऑन, और बस दो सीटी इसमें आ चुकी हैं, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ, देखिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पक गई है, बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है, तो बस इसको ज़्यादा गलाना भी नहीं है अपने को। बस अब क्या करेंगे, बस इसको हम करेंगे छौंका, छौंका लगाएंगे इसका। और छौंका लगाने के लिए हमने रख ली है कढ़ाई, हमने कढ़ाई रख ली है, गैस को करेंगे ऑन, और कढ़ाई के गर्म होते ही डाल रहे हैं इसमें हम दो चम्मच घी। आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया घी में होते हैं, क्या होता है घी में, यस गुड फैट्स, अच्छा होता है सेहत के लिए। तो घी डालें, और घी के गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये करी पत्ता, और साथ में एक लाल मिर्च, बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आएगा इससे। और इसके भुनने के तुरंत बाद हम डालेंगे ये प्याज, और देखिए प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कच्चापन चला जाए प्याज का और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। और अब थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं, ध्यान रहे नमक पहले डाला हुआ है हमने, थोड़ी सी हल्दी मिलाते हैं, तो थोड़ा सा डाल रहा हूँ धनिया पाउडर बस, और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिला लो। और बस तीन से चार मिनट तक मसाले को अच्छे से पका लो हल्की आंच में, और उसके बाद अगर पानी की जरूरत पड़े थोड़ा डाल लो। और देखो अच्छे से मसाला हमारा पक गया है, राइट, ये देखो। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग डालेंगे ये दाल जो हमने बॉयल करके रखी हुई है, ये डाल लेते हैं। तो ये देखिए काफ़ी गाढ़ी लग रही है अभी मेरे को, इसमें क्या करना है हमको, थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। तो जिस कुकर में दाल उबाली उसमें पानी डालो और ऐसे मिला लो, ये देखो वेरी नाइस, बहुत
बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी इसमें आ रही है, तो बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल दाल रहती है ये, लेकिन बहुत ही शानदार, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही हेल्दी भी है। कोलेस्ट्रॉल जिसको है, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये काफ़ी मदद देती है। बस अब क्या करना है, अब इसे हमको हल्की आँच में कम से कम 5 से 7 मिनट तक गैस के ऊपर रखना है, ताकि मसाले सारे के सारे दाल पर चढ़ जाएँ। अब बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आए इस दाल में, राइट। तो ये देखिए, देखने में कितनी शानदार लग रही है। और बस ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए हैं इस दाल को पकते पकते, कितना शानदार कलर आया है और कितनी बेहतरीन कंसिस्टेंसी है ये देखिए, राइट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पक चुकी है, बहुत बेहतरीन इसका टेस्ट होने वाला है। क्लोजर देखो, वाओ, राइट, बहुत शानदार तरीके से पक चुकी है। और ये दाल तब तक अधूरी है जब तक इस पर धनिया ना पड़े, तो धनिया में कंजूसी मत करना, अच्छे से धनिया डालो बेहतरीन तरीके से। और ये देखिए, इसी के साथ आपकी ये दाल रेडी है, इसे खाइए, इंजॉय कीजिए। तो बस अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। वाओ, ये देखिए क्या बेहतरीन दाल बनके आई है, राइट, बहुत इजी थी, तो इसे जरूर ट्राई करें। तो बस यही आज की रेसिपी थी, अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज करें, क्योंकि ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज इस चैनल में आती हैं जो आप मिस नहीं करना चाहते हो, आई एम श्योर। तो बस सब्सक्राइब करो, हिट द नोटिफिकेशन बटन एज वेल, एंड जी वी मीट अगेन, प्लीज कीप कुकिंग एंड बी हेल्दी।